तो दिन है बुधवार का, तारीख है 17 जनवरी 2024, पौष शुक्ल सप्तमी पर चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम, राहु काल रहेगा दोपहर को 12:31 से लेके दोपहर में 1:50 तक, भद्रा रहेगी रात को 10:06 से लेकर के अगले दिन सुबह 7:15 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:17 से लेकर के शाम को 5:30 तक। विशेष क्या है, शिव योग है, ऐसे में नंदीश्वर के पूजन का विधान है, भगवान नंदी का पूजन का विधान है, और हमारा विशेष उपाय भी इसी से ही संबंधित है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन भविष्य फल में सबसे पहले बात करेंगे राशि फल। मेष, तनाव में रहेंगे, आर्थिक फैसले सतर्कता से लें, इच्छा अनुसार करियर में सफलता नहीं मिलेगी, संतान से हालांकि सुख प्राप्त होगा, उपाय ये करें कि हरे पेन से हानि लिखकर जला दें। वृष, कारोबार में आर्थिक लाभ होगा, दफ्तर में काम सफल रहेंगे, नई योजनाओं से लाभ होगा, परिजनों से खुशखबरी मिलेगी, उपाय ये करें कि गरीब कन्या को मिश्री दान करें। मिथुन, साझेदारी से लाभ के योग हैं, कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, महत्वपूर्ण काम में लाभ के योग हैं, खर्चों में वृद्धि होगी, उपाय ये करें कि किसी वृद्ध महिला को हरी सब्जी दान करें। कर्क, कारोबारी स्थिति ठीक रहेगी, बाधित काम पूरे होंगे, दफ्तर में विरोधियों से सतर्क रहें, पुराने घरेलू विवाद परेशान करेंगे, उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए सूखा धनिया रखें। सिंह, भाषा पर काबू रखें, संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी, उपाय ये करें कि हरे रंग के कपड़े पहनें। कन्या, धन लाभ के योग हैं, नए काम शुरू होने में देरी हो सकती है, संबंधों में मजबूती आएगी, पेट संबंधित समस्या से परेशान रहेंगे, उपाय ये करें कि तुलसी पत्ते का सेवन करें। तुला, स्वभाव को विनम्र रखें, कामकाज में अचानक लाभ के योग हैं, आय में वृद्धि होगी, विरोधी छवि बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, उपाय ये करेंगे दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक, समाज में मान सम्मान मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, विवादित मामले हल होंगे, प्रेम जीवन सफल रहेगा, उपाय ये करेंगे जेब में हरे रंग का पेन रखें। धनु, कारोबारी लाभ के योग हैं, कामकाज से मेहनत का फल मिलेगा, परिवार में प्रशंसा मिलेगी, कामकाज में पिता सहयोग देंगे, उपाय ये करें कि किसी गरीब महिला को साबुत मूंग दान करें। मकर, भाग्य का साथ मिलेगा, कारोबारी यात्रा के योग हैं, योग्यता और अनुभव का लाभ मिलेगा, घरेलू माहौल से परेशान रहेंगे, उपाय ये करें कि साबुत धनिया के बीज कर्पूर से जलाएं। कुंभ, नौकरी में बेहतर प्रस्ताव मिलेंगे, कारोबार में सफलता से खुशी मिलेगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में हरे फल बांटें। मीन, कारोबारी विस्तार के योग हैं, कामकाज में परिजन सहयोग देंगे, भाई बहन से मनमुटाव के योग हैं, फिजूल खर्चों से बचें, उपाय ये करें कि पूजा घर में पिस्ता चढ़ाएं। तो दोस्तों, अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए, खास दिन है, बुधवार का दिन है, पौष का महीना है, सप्तमी तिथि है शुक्ल पक्ष की, और ऐसे में रेवती नक्षत्र है, शिव योग बन रहा है, ऐसे में भगवान नंदीश्वर यानी कि नंदी के पूजन का विधान है। तो शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शिवालय में जाकर भगवान नंदी का पूजन करें, और पानी में अपनी छाया देकर शिवालय में नंदी पर चढ़ा दीजिए, और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए, ओम वृषभाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, शारीरिक कष्ट निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।